आप लोग पाकिस्तान की तारीख की 8वीं किस्त देख रहे हैं। मार्च 1969 में जब जनरल यहिया खान ने जनरल अयूब खान को इकतदार छोड़ने पर मजबूर किया तो वो पाकिस्तान के पहले वो एक ही दफा में पाकिस्तान के चीफ आर्मी स्टाफ चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर और दस्तूर साथ असेंबली के सदर बन गए। जनरल यहिया खान क्योंकि जनरल अयूब खान के इकतदार के जवाल के इकतदार के जवाल में असबाब देख चुके थे तो उन्होंने फौरन सियासतदानों से कोई लड़ाई मोल लेने का नहीं सोचा बल्कि उन्होंने यूपी दौर में सियासतदानों के खिलाफ लगने वाली पाबंदियों को भी हटाया। इसके अलावा जनरल यहिया खान ने जनरल अयूब खान के दौर में बनने वाला मुतनाजा आइन को भी मंसूख कर दिया। इसके बाद जनरल यहिया खान ने दिसंबर 1970 में पाकिस्तान के पहले सदारती इंतखाबात की भी करवाए। ये पाकिस्तान के पहले सदारती इंतखाबात थे जिनमें एक बंदे को एक वोट डालने का हक हासिल था। इसके बाद और इन इंतखाबात को पाकिस्तान के सबसे शफाफ इंतखाबात भी कहा जाता है। लेकिन इन शफाफ इंतखाबात का नतीजा बहुत खतरनाक मरतब हुआ। शेख मुजीबुर रहमान से ताल्लुक रखने वाले शेख मुजीबुर रहमान ने मशरकी पाकिस्तान में क्लीन स्वीप किया लेकिन उनकी पार्टी मगरबी पाकिस्तान में एक वोट भी हासिल न कर सकी। और दूसरी तरफ मगरबी पाकिस्तान में जुल्फकार अली भुट्टो ने 81 सीटें ली थी लेकिन उनकी पार्टी मशरकी पाकिस्तान में एक वोट भी एक सीट भी हासिल न कर सकी। यूं पाकिस्तान दो हिस्सों में वाजिया तौर पर दो हिस्सों में बट गया। जनरल यहिया खान की जिम्मेदारी थी कि वो इलेक्शन में सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने वाली पार्टी को इकतदार मुंतकिल कर दें। जनरल यहिया खान ने 1 फरवरी 1971 को ढाका में कौमी असम्बली का इजलास बुलवाया। ये एक तारीखी मौका था कि मशरकी पाकिस्तान से पहली दफ़ा किसी पार्टी को इकतदार मिलने जा रहा था लेकिन 1 फरवरी को ही जनरल जुल्फिकार अली भुट्टो ने कौमी असम्बली के इजलास में जाने से इनकार कर दिया। ना सिर्फ उन्होंने जाने से इनकार किया उन्होंने अपने पार्टी के बंदों से भी कहा कि जो कौमी असम्बली के इजलास में जाएगा वो उसकी टांगे तोड़ देंगे। इसके अलावा जनरल जुल्फिकार अली भुट्टो को शेख मुजीबुर रहमान के 6 निकात से इतराज था। वो समझते थे कि शेख मुजीबुर रहमान के 6 निकात पाकिस्तान से अलहदगी के निकात हैं लेकिन कुछ लेकिन वजह कोई भी हो माहरीन कहते हैं कि कोई भी वर्ग फिर भी जुल्फिकार अली भुट्टो को कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए जरूर जाना चाहिए था। इसके बाद जुल्फिकार अली भुट्टो ने जनरल यहिया खान पर इजलास मुलतवी करने का दबाव डाला। जनरल यहिया खान ने इजलास मुलतवी कर दिया। इजलास का मुलतवी होना था कि मशरकी पाकिस्तान में आग लग गई। मशरकी पाकिस्तान के लोग समझ गए कि मगरबी पाकिस्तान की आवाम हमें इकतदार मुंतकिल नहीं करना चाहती। मशरकी पाकिस्तान में सिवन नापरवानी की तहरीक चलना शुरू हो गई। भारत जो पहले से इकतदार के जो पहले से मौके की ताड़ में बैठा था उसने मुक्ति बहाने के जरिए मुसल्ला अफवाज के जरिए बगावत शुरू करवा दी। मुक्ति बांध के मुसल्ला गुरुओं ने मगरबी मशरकी पाकिस्तान के हामियों और पाक फौज पर गोलियां बरसाई। इस वक्त भी अगर एक इजलास बुलवा कर इकतदार जीतने वाली पार्टी के सपोर्ट कर दिया जाता तो शायद पाकिस्तान की तारीख कुछ और होती। लेकिन जनरल यहिया खान ने यह आखिरी मौका भी गंवा दिया और बगावत कुचलने के लिए फौजी एक्शन शुरू कर दिया। जनरल यहिया खान ने जनरल टिक्का खान की क्यादत में ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू करवाया जिसने 8 महीने में फौजी जिसने बगावत 8 महीने में बगावत को कुचल कर रख दिया और 30 लाख बेकसूर बंगालियों को भी मौत के घाट उतार दिया। फौजी एक्शन ने बंगालियों नफरत के पानी को सरों से बहुत ऊपर पहुंचा दिया था। भारत ने अपनी साजिश को नाकाम होते देखा तो उसने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके मशरकी पाकिस्तान पर पाक फौज पर हमला कर दिया। पाक फौज पूरी तरह भारतीय फौज के घेरे में आ गई। पाक फौज अपने मरकज से 1000 मील दूर थी और उनकी सप्लाई लाइन भी कट चुकी थी लेकिन पाक फौज अपने मुल्क के लिए भरपूर जान से लड़ी। लाखों फौजी अपने मुल्क के लिए कट भरे लेकिन ये एक हारी हुई जंग थी जिसे तूल तो दिया जा सकता था लेकिन जीता नहीं जा सकता था और वो भी यही 16 दिसंबर 1971 को मशरकी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान से अलहदा हो गया और यूँ पाकिस्तान मशरकी और मगरबी पाकिस्तान की जगह सिर्फ पाकिस्तान रह गया और पाकिस्तान के 90,000 फौजी भी भारतीय कैद में चले गए। अगर ये जानना हो कि
अगर ये जानना होगा कि इसने बंदे ने कि वो कौन सा शख्स था जो पाकिस्तान को आखिरी वक्त में बचा सकता था और वो और उसने नहीं बचाया और वो थे जनरल याया खान। जनरल याया खान इसलिए क्योंकि दस्तूर साज असेंबली के सदर और चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर होने की वजह से उनकी ये जिम्मेदारी थी कि इकतदार सबसे ज्यादा वोट लेने वाली पार्टी के सपोर्ट कर दिया जाए, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। सानिया मशरी पाकिस्तान होने के बाद जनरल याया खान के इकतदार का सूरज भी गुरूप हो गया। उन्होंने एक कागज की तहरीक के जरिए जुल्फकार अली भुट्टो को इकतदार मुंतकिल किया। जुल्फकार अली भुट्टो ने जनरल याया खान को नजरबंद कर दिया। जनरल याया खान ज्यादा अपने इंतकाल तक अपने इंतकाल तक ज्यादातर नजरबंद ही रहे, पर जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी से एक साल पहले वो इंतकाल कर गए। पाकिस्तान में सानिया मशरी पाकिस्तान की असलियत जानने के लिए कमीशन बिठाया गया और कमीशन के सरबराह बंगाल से ताल्लुक रखने महमूद खान को बनाया गया, लेकिन कुछ वजूहात के जरिए इस कमीशन को कभी बाहर ही नहीं आने दिया। लेकिन इसके कुछ सफ़े भारत में तो शाया हुए हैं, लेकिन इसको पाकिस्तान में कभी शाया नहीं किया गया। और दूसरी तरफ बंगाल में एक के बाद एक फौजी बगावत जन्म लेती रही और 1977 में शेख मुजीबुर रहमान भी इंतकाल कर गए। यूँ 5 सालों में 3 बड़े शख्सियात जनरल याया खान, जुल्फकार अली भुट्टो और शेख मुजीबुर रहमान इंतकाल कर गए। जनरल जुल्फकार अली भुट्टो ने ये बहुत सा दबाव डाला जिससे जो भारत होमजुदा होकर पाकिस्तान के 90,000 फौजी को रिहा कर दिया और जनरल जियाउल हक को एक और मार्शल लॉ लगाने का कैसे मौका मिला, ये सब जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और इससे आपकी मालूमात भी इजाफा हुआ है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।